डियर बायर्स, आज हम आपको बताना चाहेंगे अगर आपकी सीलिंग मशीन में बीप का साउंड और लाइट और ना ही सील कर रही हो तो उसके लिए उसको फिक्स करने के लिए हमारे पास एक प्रोसेस है जिससे आप अपनी सीलिंग मशीन को ठीक कर सकते हैं। आपको स्क्रू ड्राइवर और प्लायर, ये दोनों चीज़ें आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। आप स्क्रू ड्राइवर से ये चार लेग्स ओपन करेंगे, लेग्स ओपन करने के बाद आप इस बॉटम साइड की प्लेट को ओपन कर लेंगे, फिर आप देखेंगे मशीन के अंदर जिस साइड से हैंडल अटैच्ड है मशीन के साथ उस साइड में अंदर की तरफ देखेंगे आपको एक बॉक्स दिखेगा, बॉक्स में आप देखेंगे एक बटन है जिसको हम जो अभी जब हम हैंडल प्रेस कर रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि हैंडल प्रेस करते वक्त ये बटन को प्लेट नहीं दबा पा रही है, ये प्लेट बटन को नहीं दबा पा रही है। तो जिसके लिए हमें एक प्रोसेस करना होता है, आपको जो हैंडल से लगी हुई प्लेट है इसको थोड़ा सा बटन की तरफ बेंड करना है जिससे कि आप हैंडल दबाएं और वो प्लेट उस बटन को दबा सके। अब आपको इसमें प्लेट को प्लास से आपको थोड़ा सा बटन की तरफ बेंड करना है जिससे कि आप हैंडल दबाएं और ये प्लेट उस बटन को दबा सके। अभी भी दोस्तों ये नहीं प्रोसेस पॉसिबल हुआ है, जैसे ही ये थोड़ा सा और दबाएंगे हम प्लेट को तो ये बटन को दबाने लग गई है। अब हम चेक करेंगे मशीन में बीप का साउंड और लाइट और सीलिंग होती है या नहीं। हम मशीन को पावर पे लगाएंगे, जैसे कि हम चेक करेंगे दोस्तों बटन को हैंडल को दबा के अभी, तो अब आप देखेंगे जैसे कि मशीन में बीप का साउंड और लाइट आ रही है। अब हम इसको सील करके चेक करेंगे मशीन सील करती है या नहीं। ये हमारी एक पन्नी है, हमने चेक किया और जैसे ही हमने ये प्रोसेस कंप्लीट किया मशीन सील करने लग गई है। इस तरह से आप अपना घर में ही अपने सीलिंग मशीन को रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों ये परफेक्ट एंड वेल शेप में सीलिंग हो गई है।